हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बडालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बैलेंसिंग जो थी रिडॉक्स रिएक्शन की, उसे स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बैलेंसिंग की थी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। आज हम लोग सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसे हम हाफ इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मेंशन कर लेना कि हम इसे हाफ इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको एक रिएक्शन जो है वो दे रखी होती है। अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दे रखी है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझ के आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद आप लोगों का दूसरा काम क्या होता है कि जो भी आपके एटम आयन्स प्रेजेंट हैं, उन सभी का, हर एक का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। डाइक्रोमेट आयन हमने कई बार देखा है। डाइक्रोमेट में क्रोमियम का क्या आता है, +6, ऑक्सीजन का -2, Fe +2। ये H+ है, एसिडिक मीडियम बता रहा है, तो इससे हमें कोई लेना देना है नहीं। अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो +1, क्रोमियम का +3, Fe का +3, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा काम क्या होता है कि आपको ये पता करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। क्रोमियम का +6 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो यानी कि ये आपका कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये आपका हो रहा है रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद Fe का देखिए, +2 से +3 में जा रहा है। तो Fe का आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +3 में बढ़ रहा है, यानी कि हो रहा है ऑक्सीडेशन। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, नाम को ही अगर आप ध्यान से देखो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को, इसको हम हाफ इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। तो यहां पे हम कर देते हैं स्प्लिटिंग, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अलग लिख लेते हैं और रिडक्शन की रिएक्शन हम लोग अलग लिख लेते हैं। मतलब कि जो एक कंप्लीट रिएक्शन है उसको तोड़ के दो भागों में बांट दिया, तभी इसको हम हाफ इक्वेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, यहां पे आप लिख लीजिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और इधर लिख लीजिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, दोनों के अलग अलग साइड्स में लिख लीजिए। उसके बाद अब देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Fe का, तो Fe का लिख लीजिए Fe2+ से किस में चेंज हो रहा है, Fe2+ आपका चेंज हो रहा है Fe3+ में। ठीक है, अब क्योंकि अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि जो Fe है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। पर जब भी आप इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, उससे पहले आप अदर एटम को बैलेंस कर लिया करो, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के जो भी आपके अदर एटम्स हैं उसको बैलेंस कर लिया करो। तो यहाँ पे तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे Fe, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो अदर एटम आपके ऑलरेडी बैलेंस है। अब +2 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो Fe3+ जाने में ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देगा। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, जहां चार्ज ज्यादा होता है ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया करो। तो यहाँ पे 3+ है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, +2 के। उसके बाद हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन, ठीक है, और उसके बाद बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो ये रिएक्शन आपकी एज इट इज हो गई, इसको आप फिलहाल के लिए यहीं पे छोड़ दो। अब आते हैं हम रिडक्शन पे। रिडक्शन किसका हो रहा था, डाइक्रोमेट का हो रहा है क्रोमियम आयन में, तो इसको आप लिख लीजिए, ये आप लिख लीजिए Cr2O7 2- गिव्स क्रोमियम 3+। अब सबसे पहला काम क्या है, अदर एटम को बैलेंस करना। यहां पे क्रोमियम कितना है, 2, यहां पे क्रोमियम कितना है, 1, तो आप क्या करेंगे, अदर एटम को बैलेंस करने के लिए क्रोमियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखिए कि क्रोमियम का जो यहाँ पे डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6 और यहां पे आपका है +3 और वो आपका एक एटम के हिसाब से है।
अगर आप डाइक्रोमेट में देखो, जैसे ये है डाइक्रोमेट, यहां से जब आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो आप x की वैल्यू निकालते हो, ठीक है। इसको देखो 2x मानते हो, ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 इज इक्वल टू -2 पुट करते हो, 2x 7 को -2 से मल्टीप्लाई किया -14 इज इक्वल टू -2, तो ये क्या हो जाता है आपका 2x की वैल्यू आती है 12 और x की वैल्यू आपकी आती है, सॉरी 2 से डिवाइड करके प्लस का 6। तो ये ध्यान रखा करो कि ये जो आपने प्लस 6 निकाला है ये x की वैल्यू निकाली है, मतलब कि एक एटम की। अगर आप 2x की वैल्यू देखो तो 2x की वैल्यू कितनी है 12, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 12 का। अब देखो क्रोमियम जो था, क्रोमियम मोनोवैलेंट कैटायन था, तो इसका जो चार्ज था वो कितना था प्लस का 3। हमने यहाँ पे कितना लिखा, दूसरा भी लिखा, तो इसका भी चार्ज कितना है प्लस का 3। तो प्लस का 3 और प्लस का 3 टोटल कितना हो गया आपका प्लस 6 का डिफरेंस। तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है, तो दोनों में ओवरऑल कितने का डिफरेंस है 6 का, समझ पा रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं कि भाई जो हमारा ये क्रोमियम था, क्रोमियम में x की वैल्यू 6 थी और यहाँ पे क्रोमियम 3 प्लस में क्या थी प्लस 3 की वैल्यू, तो इनके बीच में एक एटम के हिसाब से 3 का डिफरेंस था। पर यहाँ पे एक एटम नहीं है, यहाँ पे कितने एटम है 2, तो 3 × 2 = कितना हो जाएगा 6। तो यानी कि आपके पास 6 का डिफरेंस आ रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। फिर उसके बाद अब चार्ज आपका कहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे इधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, और वो तो सिंपल सी बात है, देखो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का मतलब ही क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या किया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो थे वो गेन करा दिए, एक्सेप्ट करा दिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। यहाँ पे आपकी कितनी ऑक्सीजन है 7, और राइट साइड में देखिए कितनी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वहां पे है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे ऑक्सीजन के लिए 7 वाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे 7 थी ना, तो यहाँ पे आपने क्या किया 7 वाटर ऐड कर दिया। अब आपके जो ओवरऑल रिएक्शन थी वो कितनी थी, मतलब कैसे हो रही थी, एसिडिक मीडियम में, तो यानी कि हाइड्रोजन की कमी के लिए आप लोग क्या करेंगे एच प्लस ऐड करेंगे। तो इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं आपके 7 × 14, और यहाँ पे देखिए कितने हैं, यहाँ पे है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे 14H+। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, पर ओवरऑल रिएक्शन आप तभी लिख सकते हो जब आपके इलेक्ट्रॉन सेम हो, रिडक्शन के भी और ऑक्सीडेशन के भी। यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो आप क्या करोगे इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले सेम करोगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से। तो जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी इक्वेशन 6 से मल्टीप्लाई होगी, तो इधर भी 6 आएगा, इधर भी 6 आएगा और इधर भी 6 आएगा, ठीक है। अब हम करेंगे दोनों इक्वेशंस को ऐड, ठीक है। तो अब देखिए इसको लिखिए, ये क्या है आपकी, ये है आपकी 6Fe2+ गिव्स 6Fe3+ कितना प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन। ये आपने लिखी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। अब रिडक्शन के लिखिए, लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ही लिखना है और लेफ्ट में ही ऐड करना है, राइट वाले को राइट में लिख के राइट में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रहा है 2 × क्रोमियम 3+ प्लस में 7H2। अब देखिए जब भी आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, जब भी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे कभी भी ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। तो लेफ्ट में 6 थे, राइट में 6 थे, 6-6 इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल हो गए। लेफ्ट वाले को लेफ्ट में ऐड करो, राइट वाले को राइट में ऐड करो, तो लेफ्ट वाले को ऐड कर रहे हैं, क्या आ जाएगा 6Fe2+ प्लस में Cr2O7 2- प्लस में 14H+ गिव्स 6Fe3+ प्लस में 2 × क्रोमियम 3+ प्लस में 7H2O। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई ओवरऑल रिएक्शन। फिर से देखिए जो भी रिएक्शन दी होती है
सबका आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। उसके बाद देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। फिर ऑक्सीडेशन को अलग लिख लो और रिडक्शन की रिएक्शन को अलग लिख लो। फिर हमने Fe का लिखा कि Fe2+ Fe3+ में चेंज हो रहा था। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके लिए देखो कि ऑक्सीडेशन में कितना चेंज आया, 2 से 3 में आया, मतलब एक का चेंज आया था तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो था वो बाहर निकाल दिया था। फिर हमने इसको यहीं पे ऐसे छोड़ दिया था। फिर रिडक्शन में हमने देखा कि जो डाइक्रोमेट है उसमें क्रोमियम जो है उसका +6 आ रहा है एक एटम के हिसाब से, x की वैल्यू है ना, तो एक एटम के हिसाब से 6 का आ रहा है, और यहाँ पे भी क्रोमियम 3+ जो है एक आयन के हिसाब से +3 का आ रहा है। बट यहाँ पे हमारा क्रोमियम इधर भी 2 था इधर भी 2 था, एक एटम के हिसाब से 3 का डिफरेंस है, 6 - 3 करोगे तो 3 का है, 2 एटम के हिसाब से कितने का डिफरेंस हो गया, 6 का। और क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दिए। फिर हमने देखा कि यहाँ पे 7 ऑक्सीजन था तो हमने यहाँ पे 7 वाटर ऐड कर दिया। रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही थी तो इसीलिए H+ के लिए अब यहाँ पे कितना था, 14 H हाइड्रोजन थे तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 14 H+। अब हम इस हाफ इक्वेशन को इस हाफ इक्वेशन में ऐड करते हैं, पर ऐड करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बराबर होने चाहिए। यहाँ पे थे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे था हमारा एक इलेक्ट्रॉन, तो इधर 6 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमने इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो पूरा ये 6-6 हो गया था यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, दोनों को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ऐड किया था, लेफ्ट और राइट वाले इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कट गए थे और ओवरऑल हमने जो थी वो रिएक्शन को लिख दिया था। ठीक है, इस जो भी मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है इसको आप बड़े ही ध्यान से समझिए। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके एक बार समझ सकते हैं। ठीक है, समझने के बाद आप इसको एक बार खुद से करके देखिए, बहुत आसान है ये। ठीक है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और फिर भी अगर आपको दोबारा से रिवाइंड देखने के बाद भी कोई किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करूँगी। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले वाला क्वेश्चन हमारा एसिडिक मीडियम में था, अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग बेसिक मीडियम में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम होता है हमारा रिएक्शन लिखना, जो कि ऑटोमेटिकली हमें लिखी हुई मिली है। ठीक है, दूसरा काम हमारा क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको हर स्पीशीज का, वेदर इट इज एटम और वेदर इट इज आयन, आपको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो सभी का निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर। जिंक अकेले पड़ा है 0, यहाँ पे नाइट्रोजन का निकाल लीजिए, नाइट्रोजन को x मानिए, प्लस में ऑक्सीजन 3 बार है, 3 लिखा, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा होता है, -2 इक्वल टू ओवरऑल कितना है, -1, तो 3 × 2 -6 आ गया इज इक्वल टू -1, ये 6 वहां पे जाके प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई प्लस का 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो प्लस का 5 है, जिंक यहाँ पे क्या है +2, यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालिए, इसको x मानिए, हाइड्रोजन 4 बार है, हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1। ठीक है, और ओवरऑल कितना है +1, तो ये कितना हो गया +4, और ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो आपके जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी -3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो चार्ज है वो कितना आ गया -3। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में तो आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हम लोगों का क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता लगाना। ठीक है, जिंक का देखिए 0 से 2 में जा रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, नाइट्रोजन का देखिए +5 से -3 जा रहा है, मतलब कि कम हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहां पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, अब हाफ इक्वेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इनको तोड़ के लिख लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन अलग
और रिडक्शन की हाफ रिएक्शन अलग। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, यहां पे लिखिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है, और इधर लिखिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को अलग अलग करके जो है वो हम लिख लेंगे। ओके, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, जिंक का, तो जिंक वाली रिएक्शन लिख लीजिए कि जो जिंक है वो चेंज हो रहा है किसमें, Zn2+ में। उसके बाद हमारा काम क्या होता है, अदर एटम को बैलेंस करना, तो यहाँ पे जिंक इधर भी एक ही एटम है और इधर जिंक का आयन भी एक ही है, तो अदर एटम ऑलरेडी बैलेंस है। अब हम लोग करते हैं चार्ज बैलेंस, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो 0 था और यहाँ पे कितना था, +2, तो 0 और 2 में कितने का डिफरेंस आया, 2 का। ठीक है, अब ये क्या है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। ठीक है, तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, ऑब्वियसली बात है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तभी तो इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई और तभी तो इस पे +2 का चार्ज आया, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे है ही नहीं, फिर हम लोग बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो हो गई अभी के लिए फिलहाल, इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। अब हम लोग रिडक्शन पे बढ़ते हैं, रिडक्शन किसका हो रहा है, नाइट्रेट आयन का, किसमें मतलब चेंज हो रहा है वो अमोनियम में, तो लिख लीजिए कि जो आपका नाइट्रेट आयन है NO3- वो चेंज हो रहा है किसमें, अमोनियम आयन में। अब इनका चार्ज लिखिए, नाइट्रोजन का नाइट्रेट की फॉर्म में कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर +5 और यहाँ पे कितना है -3, तो 5 से 0 पे 5 का डिफरेंस होता है और -3 और जाना है हमको, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 8 का। ठीक है, प्लीज गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी चीजों में गलतियां ना करें। तो देखिए प्लस का 5 से -3 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का। ठीक है, नाइट्रोजन, अच्छा इलेक्ट्रॉन ऐड करने से पहले हमेशा अदर एटम बैलेंस करना है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी एक है, नाइट्रोजन यहाँ पे भी एक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबसे लास्ट में ऐड करना है, मतलब बैलेंस करना है। तो अब देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा जितना डिफरेंस है, तो यानी कि ये एक्सेप्ट करेगा 8 इलेक्ट्रॉन। इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप हमारा होता है ऑक्सीजन बैलेंस करना। अब देखिए आपकी जो रिएक्शन है वो कौन से मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में, तो ऑक्सीजन के लिए आप क्या ऐड करोगे, OH-। ठीक है, तो अब देखिए लिख देती हूं मैं कि आपको ऑक्सीजन के लिए क्या करना है, बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन के लिए वाटर ऐड करते हैं, बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन के लिए OH- ऐड करते हैं, और बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन की जहां पे कमी है वहां पे आप वाटर ऐड करोगे और फिर उतने ही इक्वल नंबर में आप लोग OH- ऐड करोगे अपोजिट साइड। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आता जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान आसान सी चीज है, फ्री के नंबर होता है बैलेंसिंग में। तो ठीक है, तो अब देखिए ऑक्सीजन कितना, इधर 3, यहाँ पे है ही नहीं, तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, OH- ऐड करते हैं, 3 ऑक्सीजन की कमी है तो यहाँ पे हमने 3 OH- ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो वाटर, वाटर यहाँ पे है नहीं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे है आपके 4 और इधर है आपके 3, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 7 times वाटर ऐड कर देंगे, यहाँ पे 7 था ना, इधर 3 था, उधर 4 था, इधर 3 था, तो टोटल 7 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे थे नहीं, तो हमने क्या किया, 7 वाटर ऐड कर दिया। अब 7 वाटर अगर यहाँ ऐड किया है, जितना वाटर ऐड करते हो सामने अपोजिट साइड में उतना ही OH- ऐड करते हैं, तो 7 वाटर यहाँ ऐड किया तो इसी के सामने आप क्या करेंगे, 7 OH- भी ऐड कर देंगे। ठीक है,
तो ये आपका देखो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा NO3 माइनस प्लस 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 7H2O गिव्स अमोनियम आयन। इन दोनों को जोड़ के लिख दो, 7 और 3 कितना हो गया आपके पास 10, तो ये आ गया 10OH माइनस। मैं इसको अलग लिख दूं थोड़े अलग नंबर से, कहीं आप कंफ्यूज ही होते रहो, 100H माइनस लगे आपको। ठीक है, अब हम करेंगे इस हाफ इक्वेशन को, रिडक्शन वाली हाफ इक्वेशन को ऑक्सीडेशन हाफ में ऐड। पर ऐड करने से पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन बराबर के होने चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, और यहाँ पे कितने हैं 2, तो इधर भी आप 8 करोगे। ठीक है, तो 8 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो पूरी की पूरी इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 4Zn2+, और इधर कितने हो गए आपके, इधर हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 4 × 2 = 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को कर देंगे ऐड, इधर ही कर दूं मैं ऐड, यही कर देते हैं। ठीक है, ओवरऑल के लिए तो ये वाली इक्वेशन लिख दीजिए लेफ्ट वाले को, लेफ्ट में NO3 माइनस, ठीक है, प्लस में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 7H2O गिव्स, राइट में क्या है, अमोनियम आयन प्लस में 10OH माइनस। ठीक है, इसको ऐड कर दो, अब इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, कट गए। ठीक है, अगर देखो अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन किए हैं ना, इसमें हमारे पास वाटर और OH माइनस कहीं पे आया नहीं है, बट अगर आ रहा होता है ऊपर और नीचे तो उसको भी आप कैंसिल कर सकते हो लेफ्ट वाले को राइट से। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या हो गया आपका, ये आ गया 4Zn प्लस में NO3 माइनस प्लस में 7H2O गिव्स 4Zn2+ प्लस में अमोनियम आयन प्लस में 10OH माइनस। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई ओवरऑल बैलेंस्ड रिएक्शन। आसान था, सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी रिएक्शन दी है सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, आइडेंटिफाई करिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन के लिए अलग रिएक्शन लिख दो, रिडक्शन के लिए अलग रिएक्शन लिख दो। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है सबसे पहले क्या करना है, अदर एटम बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन बाद में ऐड करोगे, पहले नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर। ऑक्सीजन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, 0 से +2 का चेंज आया था, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाए थे लॉस किए हुए। रिडक्शन में हमारे पास 8 का डिफरेंस था, तो हमने यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन गेन करवाए थे, नाइट्रोजन हमारा बैलेंस था। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे थे नहीं, यहाँ पे थे, यहाँ पे हमारे पास क्या था, 3 ऑक्सीजन थी, तो हमने 3OH माइनस ऐड किए थे। फिर हाइड्रोजन हमारे पास 7 हो गए थे, तो हमने हाइड्रोजन के लिए 7 वाटर ऐड किया था, और उतना ही हमने 7OH माइनस ऐड किया था, क्योंकि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, इधर हमारे पास थे 2, तो इधर भी 8 करने थे, इसलिए हमने पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। फिर हमने दोनों हाफ रिएक्शन को, इसको और इसको ऐड कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन कट गए, और फिर हमने लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड कर दिया और राइट को राइट में ऐड करके लिख दिया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी फिर से बेसिक मीडियम में। ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, पीछे हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए वहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इनका ऑलमोस्ट निकाल के देख रखा है। ठीक है, फिर भी हम लोग निकाल लेते हैं। OH माइनस है, OH माइनस को अलग करोगे 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 3, यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्लस का 5। आयोडीन को X माना, ऑक्सीजन 3 बार -2 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये आपके x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई प्लस का 5। तो I का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 5 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, क्रोमेट आयन है, क्रोमेट और डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, प्लस का 6। आप लोग निकाल के देख भी सकते हैं।
ठीक है। अब अगला काम हम लोगों का क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो अब देखिए क्रोमियम जो है प्लस थ्री से प्लस सिक्स में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन आयोडीन प्लस फाइव से माइनस वन में चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगला काम क्या करते हैं, इनको हाफ हाफ करके हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और इधर लिख लीजिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ओके। इधर देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, इसका, तो हमने लिखा सी आर ओ एच होल थ्राइस, चेंज हो रहा है सी आर ओ फोर टू माइनस में। क्रोमियम इधर भी एक है, इधर भी एक है, ठीक है। इधर प्लस थ्री से किस में चेंज हो रहा था, प्लस सिक्स में, कितने का डिफरेंस आ रहा है, छः का, तो यहाँ पे आप लिख देंगे तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, इधर है तीन और इधर कितना है चार, ठीक है। तो यहाँ पे अब बेसिक मीडियम में है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ओ एच माइनस ऑक्सीजन के लिए ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, तीन और एक चार, और यहाँ पर है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए चार एच टू ओ जो है उसको ऐड कर देंगे। चार एच टू ओ अगर ऐड कर रहे हैं तो उसी के अपोजिट साइड में क्या करेंगे, और चार ओ एच माइनस जो है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये आपकी जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सी आर ओ एच होल थ्राइस प्लस में फाइव ओ एच माइनस गिव्स सी आर ओ फोर टू माइनस प्लस में तीन इलेक्ट्रॉन प्लस में चार बार वाटर, ओके। अब आप रिडक्शन की रिएक्शन लिख लीजिए, रिडक्शन की क्या रिएक्शन हो रही है, आई ओ थ्री माइनस, चेंज हो रहा है किसमें, आई माइनस में, यहाँ पे था प्लस का फाइव और यहाँ पे था माइनस का वन, कितने का डिफरेंस है, छः का। काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छः का डिफरेंस आ रहा है, I इधर भी वन है इधर भी वन है, तो I को तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम लोग छः इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ओके। अब ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है, तीन, यहाँ पर है ही नहीं, तो थ्री टाइम्स ओ एच माइनस ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर है ही नहीं, इधर कितना है तीन, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे थ्री टाइम वाटर, और जितना वाटर ऐड कर रहे हैं उतना ही अपोजिट साइड में ओ एच माइनस ऐड कर देंगे, ओके। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा आई ओ थ्री माइनस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन प्लस थ्री टाइम्स वाटर गिव्स आई माइनस प्लस में सिक्स ओ एच माइनस। दोनों इक्वेशन को अब हम लोग ऐड करेंगे, पर इलेक्ट्रॉन बराबर के होने चाहिए, यहाँ पर छः है यहाँ पर तीन है, तो इसको हम दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा टू, इधर हो जाएगा आपका टेन, इधर हो जाएगा टू, इधर हो जाएगा सिक्स, इधर हो जाएगा एट, ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे आप लोग ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा आई ओ थ्री माइनस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन प्लस थ्री टाइम्स वाटर गिव्स आई माइनस प्लस सिक्स ओ एच माइनस। अब जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, छः इलेक्ट्रॉन से छः इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कैंसिल हो गए, छः ओ एच माइनस से छः कट गए, कितने बचे चार, और तीन वाटर से तीन कट गए, यहाँ पे कितने बचे पाँच। तो क्या बना आपकी इक्वेशन, टू टाइम्स क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्लस में आई ओ थ्री माइनस प्लस में फोर ओ एच माइनस गिव्स टू टाइम्स क्रोमियम ओ फोर टू माइनस प्लस में आई माइनस प्लस में फाइव एच टू। तो ये आपकी क्या बन गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। डाइक्रोमेट में क्रोमियम का कितना होता है, प्लस सिक्स, ठीक है, आप निकाल के देख भी सकते हैं, क्रोमियम को मानिए टू एक्स
ऑक्सीजन 7 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए इज इक्वल टू माइनस 2। तो एक्स की वैल्यू जो है आपकी वो क्या आ गई 6 प्लस का, ठीक है। फिर उसके बाद आप इधर कार्बन का निकालिए, इसमें इसका निकाल रही हूं मैं, तो कार्बन को मानिए 2x प्लस में 4 इंटू में 1 प्लस में माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आपका ये, x की वैल्यू आ गई माइनस का 1, ठीक है। फिर यहां पे निकालिए कार्बन का, 2x मानिए प्लस में 4 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में माइनस 2, कट गया ये, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। ओके ठीक है, तो मिटा दूं मैं इसको, आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके अगर लिखना है तो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सेम ही हर जगह, हाइड्रोजन का प्लस 1 ऑक्सीजन का माइनस 2, तो मैं नहीं लिख रही हूं। अब अगला काम हम लोगों का क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना। देखिए किसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ रहा है, इधर इसका लिख लीजिए प्लस 3, ठीक है। क्रोमियम का प्लस 6 से प्लस 3 में जा रहा है, कम हो रहा है, तो यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओके और कार्बन का माइनस 1 से 0 में जा रहा है, कम, माइनस 1 से 0 में बढ़ रहा है, तो यानी कि ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को स्प्लिट करके लिख लेंगे, ऑक्सीडेशन की अलग, रिडक्शन की हाफ रिएक्शन अलग। तो हम यहां पे लिख रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और यहां पे लिख रहे हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। तो अब देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इसका, तो हमने लिखा C2H4O चेंज हो रहा है C2H4O2 में, यहां पे माइनस 1 है, यहां पे 0 है। सबसे पहले अदर एटम बैलेंस करते हैं, तो कार्बन यहां पे भी 2 है, इधर भी 2 है, तो अदर एटम ऑलरेडी बैलेंस है। माइनस 1 से 0 कितने का चेंज आ रहा है, 1 का, ठीक है। पर यहां पे कितने एटम है, यहां पे 2 एटम है, एक एटम के हिसाब से 1 का चेंज आ रहा है, 2 एटम के हिसाब से 2 का चेंज आएगा, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए। ओके फिर उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, अच्छा आपके मीडियम चेक कर लेना, एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन देखिए यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, वाटर एसिडिक मीडियम में, तो हमने 1 वाटर ऐड कर दिया। अब इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए देखिए 6 हाइड्रोजन यहां पर है और यहां पे 4 है, ठीक है, तो इधर कम है, तो हमने क्या किया, 2H प्लस ऐड कर दिया। H प्लस इसलिए ऐड किया है क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रही है रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन के लिखिए, रिडक्शन किसका हो रहा था, डाइक्रोमेट का, Cr2O7 माइनस चेंज हो रहा था क्रोमियम 3 प्लस में। अदर एटम बैलेंस करेंगे, यहां पे क्रोमियम कितना है, 2, यहां पे कितना है, 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 6 से प्लस 3 में जा रहा था एक एटम के लिए, 3 का चेंज आ रहा था, 2 एटम के लिए कितने का चेंज आएगा, 2 एटम के लिए चेंज आएगा उसका डबल, समझ रहे हो ना इस चीज को। जब आपने डाइक्रोमेट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था तो x की वैल्यू आई थी वो 6, ठीक है, यहां पे क्रोमियम कितना है, 2 है, तो जब एक क्रोमियम के हिसाब से 3 का डिफरेंस आ रहा है तो 2 के हिसाब से कितना आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है मतलब कि गेन, तो हम 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ओके अब देखो ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 7, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, 7 वाटर ऐड। हाइड्रोजन कितना है यहां पर, 14, तो हम यहां पे क्या ऐड कर देंगे, 14H+। अब दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो दोनों को ऐड करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, एक समान, इधर 6 है और इधर कितने हैं, 2, तो आप क्या करेंगे, इसको 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा 3 टाइम्स C2H4O प्लस 3 टाइम्स वाटर गिव्स 3 टाइम्स C2H4O2
प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 एच प्लस, ठीक है। इसको भी ऐड करके लिखिए यहाँ पे Cr2O7 2 माइनस प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस में 14 एच प्लस गिव्स 2 टाइम्स क्रोमियम 3 प्लस प्लस में 7H2। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली कैंसिल हो गए, ठीक है। अब 6 एच प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे कितने हैं आपके 14, तो 14 में से 6 आपके कैंसिल हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। 3 वाटर से 3 वाटर कट गए, 4 यहाँ पे बच गए, तो ये आपका क्या इक्वेशन बन गई, 3 टाइम्स C2H4O प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 8H प्लस गिव्स 3 टाइम्स C2H4O2 प्लस 2 टाइम्स क्रोमियम 3 प्लस प्लस में 4 टाइम्स वाटर। तो ये आपकी क्या बन गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या किया आपने, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट किया, उनको अलग अलग करके लिख लिया। अदर एटम देखे ऑलरेडी बैलेंस थे, कितने का डिफरेंस आ रहा था 1 का एक एटम के हिसाब से, 2 एटम के हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा था। ऑक्सीडेशन था तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, या इसलिए यहां पर लिखा था। ऑक्सीजन यहाँ पे एक था, इधर 2 थे, तो हमने ऑक्सीजन के लिए वाटर ऐड किया क्योंकि एसिडिक मीडियम में हो रहा था। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 थे, इधर कितने थे आपके 4, तो हमने 2H प्लस ऐड किए थे। यहाँ पे फिर क्या था, क्रोमियम इधर 2 थे इधर 1 था, तो हमने बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था। एक एटम के हिसाब से 3 का डिफरेंस था, 2 एटम के हिसाब से 6 का डिफरेंस था, रिडक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिए। फिर ऑक्सीजन यहाँ 7 था तो हमने 7 वाटर ऐड कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ 14 थे तो हमने 14 हाइड्रोजन इधर ऐड कर दिए। दोनों को जोड़ने से पहले इलेक्ट्रॉन देखे, क्या इलेक्ट्रॉन बराबर है, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं थे, इधर 6 थे इधर 2 थे, तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। फिर उसके बाद दोनों को ऐड किया, जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल किया और फिर ओवरऑल रिएक्शन जो थी वो हमने लिख दी थी, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप चाहें तो इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। पर मैग्नेट में आप देखिए, पर मैग्नेट में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7। कुछ कुछ चीजें ना आप याद रखा करो, डाइक्रोमेट में क्रोमियम का +6, क्रोमेट में क्रोमियम का +6, पर मैग्नेट आयन में मैग्नीज का +7, तो कुछ कुछ चीजें आप लोग याद रखा करो। हम इसको निकाल के भी देख लेते हैं, मैग्नीज का निकालना है, इसको एक्स मानिए, प्लस में 4 टाइम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो 4 दुनी 8 आगे आपका, और ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8, और x की वैल्यू जो है आपकी क्या आ जाएगी प्लस की 7। इधर निकालिए सल्फर का, सल्फर को मानिए x, ऑक्सीजन 3 बार है इंटू माइनस में 2 इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सल्फर का जो है यहाँ पे आप सबसे पहले ना इसका चार्ज ठीक करो, इसका चार्ज जो है वो SO3 2 माइनस होता है, ओके। तो यहाँ पे आप करेंगे -2, हाँ। तो अब जो आपका सल्फर है उसका क्या आएगा, 3 इंटू में 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू -2, तो आपके जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी प्लस का 4, तो इधर आ गया सल्फर प्लस का 4, यहाँ पे ये क्या है प्लस का 2। इधर निकालिए सल्फर, x माना, ऑक्सीजन 4 बार था, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है माइनस का 2, और ओवरऑल कितना था -2, तो यहाँ पे जो आपके x की वैल्यू है वो क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस की 6, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब आप लोग क्या करेंगे, अगला काम होता है हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखिए मैग्नीज का +7 से +2 में गया, यानी कि कम हुआ, तो ये क्या हो रहा है रिडक्शन। सल्फर का +4 से +6 में गया, यानी कि बढ़ गया, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ओके। अब अगला काम आपका क्या है, इनको स्प्लिट करके लिख लीजिए, तो यहां पे आएगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इधर आप लोग लिख लीजिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, सल्फर का, तो हमने लिखा SO3 2 माइनस, चेंज हो रहा है SO4 2 माइनस में। अदर एटम देखिए, सल्फर यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, ऑलरेडी बैलेंस है,
कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 से 6 में जा रहे हैं तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। एसिडिक मीडियम में हो रही है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे कितना है 4, 1 का कमी है ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 1 वाटर ऐड कर दो आप। हाइड्रोजन देखिए इधर तो है ही नहीं, इधर कितने आ गए 2, तो इधर कर दीजिए 2H+, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं रिडक्शन पे, पर मैग्नेट आयन जो था MnO4- ये चेंज हो रहा था आपका Mn2+ में, +7 से +2 में चेंज हो रहा था। अब Mn यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो अदर एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 से 2 में चेंज हो रहा है, 5 का डिफरेंस आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 4, यहाँ पे है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे 4 times वाटर ऐड कर देंगे। हाइड्रोजन देखिए इधर है ही नहीं, यहाँ पे कितना है 8, तो आप क्या करेंगे 8H+ ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड करने से पहले, दोनों हाफ रिएक्शन को ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, बराबर। यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 5, तो आप क्या करिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि 10 हो जाए, और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 10 हो जाए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, क्या आएगा 5 times SO3 2- प्लस 5 times वाटर गिव्स 5 times सल्फेट आयन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 10H+, ठीक है। सिमिलरली रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी लिख लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 2 times MnO4- प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन प्लस में 8 × 2 = 16 16H+ गिव्स 2 times Mn2+ प्लस में 8 times वाटर। जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए, इधर 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कट गए, ठीक है। 10H+ से आपके 10 भी H+ कट गए, कितने बचे 6H+, और 5 वाटर से 5 कट गए, कितने बचे 3 वाटर आपके बच गए, ठीक है। अब जोड़ के लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 times SO3 2- प्लस में 2 times MnO4- प्लस 6H+ गिव्स 5 times SO4 2- प्लस 3 times H2। Mn रह गया है ना, तो इधर लिखे 2 times Mn2+ और 3H2। तो ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। रिएक्शन लिखी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, रिडक्शन ऑक्सीडेशन फाइंड आउट किया, ऑक्सीडेशन की अलग लिखी, रिडक्शन की अलग लिखी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया, चार्ज बैलेंस किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस किया, दोनों को ऐड किया। इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली काटने होते हैं क्योंकि आपकी ओवरऑल में इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।